नमस्कार ग्राउंड की टीम मौजूद है सफीदों के नागरिक अस्पताल में, जो सफीदों बंडर के अंदर गांव पड़ता है डिडवाड़ा, वहां मिट्टी में दबने से आई दीवार में दब गिर के उस दीवार के नीचे दबने से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और जो परिजन है आप देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद है और उनसे जानते हैं कि किस तरह की क्या घटना हुई है और कैसे कैसे उस व्यक्ति की मृत्यु हुई। आप क्या नाम है आपका? सोनू जी। सोनू आपका क्या लगता था वो भाई जी बेटा? क्या नाम था उनका? संजय जी। कितनी उम्र थी? 48 है जी। 48। तो आज ये घटना कैसे हुई जरा बताओ कि किस तरह ये घटना हुई है? तो घटना ऐसे हुई जी, उस वहाँ आइब्रो में पहले काम कर कहा जी, एक दिन मट्टी ठहक आज इसी बिगले जी, बुधवार जी कच्ची खापी पानी द्वार है जिनों द्वार है 13 फुट की जी, उस द्वार के जी 1 फुट का फैसला नहीं जो जी खुद रही जी 6-7 फुट की जी, तो वहाँ उसमें काम करवाए जी, तो खुद ने पता होना चाहिए द्वार पड़ भी सका या तो द्वार तैर लो भी फिर दोबारा बनवा दे अगले जी, तो ये कुछ ला लो जी चाहे जाने करो चाहे उसकी टेम है जी, तो ऐसे हो गया जी काम। तो हम गए जी वहाँ एक बंदा लाया जी काटने के स्वास्थ्य से वहाँ पास ले ले। कौन आदमी था जो निकालना? जी वो गुजरामत है जी वो, ठीक है। जिसमें हम गए वहाँ हमारे परिवार गया तो मानस खापी छोके खड़े पब्लिक जी वहाँ पर, हमने परिवार ने जाया खुद हफ्ते जी परिवार छोटे बड़े सारे हमने खुद निकाला जी जाकर निकालने में 1 घंटा लग गया जी, इतने दिन आए मैं दब रहा था जी। तो जी ये घटना हुई उस टाइम यानी कि किसी व्यक्ति ने उसकी मदद नहीं की, एक व्यक्ति को छोड़ हमें नहीं पता जी, हम तो पहुंचे जी अपने परिवार से छोटा बड़ा सारा पहुंचे, हम फिर एक बंदा लागे पाया जी उसके पास, वो भी जाएगा हमारे परिवार छोटे बड़े ने सब ने जी आपके परिवार के पहुंचने से पैसे किसी व्यक्ति उसको बचाने का प्रयास नहीं किया? एक बंदा था जी बस। अच्छा बस स्कूल जी बस ये रिक्वेस्ट है जी मेरी। तो उसके बाद जब आप पहुंचे तो क्या किया आपने? हमने जी मट्टी का जी तो कुछ रोने लगे कुछ वो करने लगे, तो हमने काटे कुटे जाकर देखा नहीं, तो एक बंदा ले रहा कुल परिवार करने के लिए उसके बस, तो मारे भाईचारे तो बच्चे को ले रहे सब हमने जाया काटे जी और जाएगा खुद अपे जी। तो जैसे इस घटना में आपके भाई की मृत्यु हो गई है दीवार के जो दबने से, इस घटना का उसकी मृत्यु किसको दोषी मानते हैं आप? आप जी बताएंगे जो आप खुद बताएगा जी काम करवाने लेगा जा रहा जी उसको पता है जी घटना हो सकी भी सका है तो बड़ा भाई सका पहले से ना तो दोबारा भी बन सका भाई बाद में खुद बता रहे जी। यहाँ देख सकते हैं आप जो मृतक व्यक्ति है उसका भाई आंखों में आंसू हैं और वो बता रहा है अपनी मृत्यु किस तरह से उसके भाई की आज दर्दनाक मौत हो गई है और किसकी लापरवाही से हुई है। जानते हैं एक व्यक्ति और हमारे साथ गांव का मौजूद है, क्या नाम है भैया आपका? सुभिंदर जी। तो कैसे क्या घटना हुई थी आज ये? भाजी दीवार एक तो ये दीवार खड़ी है उसके साथ में मिट्टी खुदवान लग रहा हो। अच्छा मिट्टी खुदवान लग रहा है, उन्होंने देखे भाई इसकी निरोली मिट्टी करते हम तो ऊपर दीवार भी है ये पड़ भी सकती है, वो दीवार में वहाँ खड़ा था भाई मिट्टी खोदी में नीम में। अच्छा वह दीवार ऊपर पड़ी आगे मारा भाई मिट्टी में दब गया इंटम है, वो दीवार पड़ी तो मिट्टी इतनी 7 फुट की इतनी होती हुई है बिल्कुल इतनी उसमें दब गया। तो जो लापरवाही किसकी लापरवाही मानते हैं? लापरवाही किसकी मानते हैं? जिसके मकान बनाता है लापरवाही उसकी है, उसमें भी देखता है ऊपर दीवार भी है। तभी सफीदों प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं? क्या बताया जी हमें मांग तो ये पुलिस स्टेशन ही बताया, पुलिस स्टेशन बताएगा क्या करें। हाँ भैया बताओ क्या? सर सफीदों प्रशासन से हम एक ही मांग करते हैं जो दोषी है सर उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए, जो लापरवाही का इतना बड़ा जो मुद्दा है सर उसको संज्ञान में लिया जाए और जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और एक बात और सर लापरवाही तो देखो सर लापरवाही इतनी है कि आदमी जब सामने कोई दम तोड़ रहा है दबे होया तो हाथ लगाने का तो फर्ज बनता है सर, इन्होंने हाथ भी नहीं लगाया सर, बचाने का प्रयास करना चाहिए था शायद बच जाता सर। प्रशासन से यही मांग है सर कि उचित कार्रवाई। तो आपके कहने का मतलब ये है कि उस व्यक्ति को जो मिट्टी में दबा हुआ था दीवार के नीचे दबा हुआ था किसी ने बचाने का प्रयास नहीं किया वहाँ? सर ये मैं तो इनका रिश्तेदार सर ये बोल रहे हैं सर, इन्होंने बोला कि भाई एक आदमी था जो भाई वो बचाने का प्रयास कर रहा था बाकी उसके ऊपर से इधर से उधर कूद रहे थे बस देख रहे थे भाई कितना दबा, उसकी गर्दन बार थी सर बाकी सारा हिस्सा दबा हुआ था उसका जी गर्दन भी बार नहीं थी। यहाँ देख सकते हैं आप जो मृतक व्यक्ति क्या नाम बताया था उसका? संजय जी। संजय है जो 38-40 वर्ष से बताया जा रहा है जो मिट्टी की जो मिट्टी खोद रहा था और दीवार गिर गई जिसकी मृत्यु होगी, उसके भाई का साफ तौर पर कहना है कि जो लापरवाही जो जिनके यहाँ काम किया जा रहा था उनकी लापरवाही है। और अब एक बात और निकल कर सामने आई कि वहाँ उस व्यक्ति को जब वो दीवार गिरी तो उसको
किसी सिवाय एक व्यक्ति के किसी ने भी बचाने का उसका प्रयास नहीं किया, जो वाकई मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटना है। अब देखना है कि इस पूरे मामले को लेकर सफीदो पुलिस प्रशासन क्या करता है, सिविल प्रशासन क्या करता है। तो क्या इसमें आपने कहीं पुलिस में भी शिकायत दी है? नहीं जी। तो क्या पुलिस में शिकायत करोगे इसकी? करेंगे जी। तो यहाँ मृतक का भाई है सोनू नाम बताया, सोनू जो पुलिस में शिकायत देने की बात करता है। अब देखना होगा कि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जो घटना हुई है जिसमें एक व्यक्ति की जान गई है, उस घटना को लेकर जब शिकायत को ये परिवार इसके परिजन मृतक व्यक्ति के पुलिस को जब सूचना देंगे शिकायत देंगे तो पुलिस प्रशासन इसमें किस तरह क्या कार्रवाई करते हैं और किस तरह का इंसाफ मिलता है ये देखने वाली बात होगी। ग्राउंड मीडिया से मैं हरीश कपूर सफेदो के सिविल हॉस्पिटल से। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।